हाँ भाई, कैसे हैं? सुना है कराची की जो आबादी है वो पिछले 5 सालों में और कम हो गई है। मतलब कि दुनिया कहाँ आगे जा रही है और कराची बेचारा अभी भी डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक के अब तो पॉपुलेशन में भी पीछे रह गया। मतलब धांधली करने वालों को भी चाहिए कि भाईजान थोड़ा हल्का आ जाए, थोड़ा आसरा कर ले। कराची तो यार वो शहर है जहाँ ऑफिस से घर जाते हुए भी आपको ट्रैफिक की वजह से घंटों रस्तों पे खड़ा रहना पड़ता है। अरे भाई, आबादी है तो ट्रैफिक है ना। और तो और आए दिन कराची में किसी ना किसी की शादी होती रहती है, और शादी होती है तो भाई बच्चे भी तो होते हैं। भाई मेरे खानदान में साल में तकरीबन 50 शादियां तो हो ही जाती हैं, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो तकरीबन 250 शादियां तो 5 सालों में मेरे खानदान में हो जाती हैं। और अगर मैं इनके कम ओबेश 3 बच्चे भी लगा लूँ, 750 बच्चे तो 5 सालों में मेरे खानदान के हो गए। तो अब आप अंदाजा लगाएं, अगर मैं कराची के 20,000 खानदानों को पिक करूँ और उसको 750 से मल्टीप्लाई करूँ तो तकरीबन 15 मिलियन की पॉपुलेशन तो यही हो गई। चले सब छोड़ें, चलिए ये बताएं कराची की GDP ग्रोथ कितनी होगी? $28 बिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना, $28 बिलियन। 2019 में कराची की GDP वॉज $164 बिलियन। प्राइस वाटरकोपर स्टडी के मुताबिक 2025 में कराची की GDP विल बी $193 बिलियन। यानी कि ग्रोथ हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, खुश हैं, लगे हुए हैं कामों में, तभी तो इतनी ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन में ग्रोथ कहीं नहीं है। मुझे तो लगता है इस बार कराची सेंसस की कंपाइलेशन हकीमों ने की है, क्योंकि कराची की हर दीवार पे मुझे सिर्फ और सिर्फ मर्दाना कमजोरी का इश्तहार नजर आता है। सब तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, कराची को उसका हक दो।